नमस्कार दोस्तों, मैं प्रीति शर्मा, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं डेरा सच्चा सौदा के मेन गेट के बाहर। यहाँ पे काफ़ी तादाद में आज लोग यहाँ पे आ रहे हैं डेरा सच्चा सौदा में। उनसे जानते हैं कि आज भी उनका डेरा सच्चा सौदा में आना ऐसा क्या कारण है, किस विश्वास से आज वो यहाँ पे आ रहे हैं। हमारे साथ कुछ यूथ यहाँ वहाँ जाने वाला जुड़ा है, उनसे जानते हैं, मिलकर बात करते हैं। आपका नाम क्या है? दादा सदगुरु तेरा सा। मेरा नाम सुखपाल कौर इंसा है और मैं यहाँ की डेरे की रहने वाली मेंबर हूँ और मैं स्टूडेंट भी इसी कॉलेज से हूँ। मेरा स्कूलिंग भी यहीं ईशास नाम जी गर्ल्स स्कूल से ही रहा है। आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? मैं परसुइंग बीकॉम कर रही हूँ और ईशास नाम जी गर्ल्स कॉलेज से ही कर रही हूँ। ओके, आप यहाँ के स्कूल कॉलेज में स्टडी कर रहे हो। यहाँ के स्कूल कॉलेज में काफ़ी बातें आई थी, मीडिया ने काफ़ी बातें दिखाई थी, क्या कहोगे? एकदम फेक। हमारे सामने, मतलब कि हमारी ही बिल्डिंग को बताया गया कि ये बाबा जी की गुफा है। एक तरफ से तो देखा जाए तो हमें हंसी भी बहुत ज़्यादा आ रही थी कि यार मीडिया कहाँ कहाँ तक और कितना कितना झूठ फेंक सकता है। सीरियसली, अगर उनको इतना ही है तो हमसे आके डायरेक्टली पूछो कि यहाँ पे जो हमारी बिल्डिंग को इन्होंने गुफा दिखाई है। बहुत ज़्यादा शर्मिंदा वाली बात थी कि हमारे ही ऊपर ऐसे बिना कुछ जाने अपना उन्होंने ये रख दिया सब कुछ। बहुत ज़्यादा शॉकिंग था, बट जबकि ये सब कुछ झूठ था। हमारे कॉलेज की बिल्डिंग, हमारे स्कूल की बिल्डिंग को उन्होंने बाबा जी का गुफा रखा। बहुत दुख भरी बात थी हमारे लिए। ओके, आपने कहा जो भी मीडिया ने दिखाया वो बिल्कुल गलत है, झूठ है। आप अपने आपको कितना सेफ फील करते हो यहाँ पे, यहाँ के इन्वायरमेंट में, कॉलेज में, स्कूल में? आई थिंक सो, क्योंकि बाहर के भी फ्रेंड्स वगैरह हैं। आई थिंक सो सिरसा, मैं ये नहीं कहती, ओवरऑल इंडिया में आई थिंक जितनी सिरसा सेफ सिटी है ना, उतनी कोई भी नहीं। क्योंकि यहाँ पे हमें ह्यूमैनिटी टीच किया जाता है। और मैं बाहर गई हूँ, बाहर देखा है एनवायरनमेंट, वहाँ पे क्या होता है, जैसे दिल्ली बॉम्बे वहाँ के लोगों का होता है कि अगर कोई एक इंसान गिरता है, कोई मर भी जाता है, लोग क्या करते हैं, वीडियो बनाते हैं, कोई किसी से मतलब नहीं, यार बंदा मर रहा है, तड़प रहा है, उसको उठाओ। जबकि यहाँ क्या होता है, एक बंदे को छोड़ लेके पूरे सारे जने आ जाते हैं कि हाँ उसकी हेल्प करें। और जबकि बाहर क्या होता है, क्यों? क्योंकि ये सिर्फ यहाँ ही टीच किया जाता है कि ह्यूमैनिटी, इंसानियत क्या चीज़ है, जो कि बाहर की दुनिया में बिल्कुल ख़त्म है। और सिर्फ हमारे डेरा सच्चा सौदा में टीच किया जाता है। इसलिए हमारे डेरा सच्चा सौदा आज भी जिंदा और हमेशा ही जिंदा रहेगा, चाहे कुछ भी कर लो। आप लोगों को अपने स्कूल कॉलेज के बारे में क्या बताना चाहोगी? कैसा है आपका स्कूल कॉलेज और दूसरों स्कूल कॉलेजों से कैसे अलग है? ऑब्वियसली, सबसे पहली बात तो यहाँ की ह्यूमैनिटी जो मैंने आपको बताया, जो कि आज के यूथ में बिल्कुल भी नहीं है। पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करना, जो कि बाहर के कॉलेजों में ठीक है बताया जाता है, बट कोई लागू नहीं करता। यहाँ के स्टूडेंट्स में यही फ़र्क है, पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करना, ह्यूमैनिटी, और यहाँ तक कि हर एक चीज़ में आगे, चाहे स्पोर्ट्स हो, चाहे एजुकेशन हो, हर एक चीज़ में आगे है। और मैं तो यही कहूँगी, जितना सेफ गर्ल्स अगर यहाँ पे है, उतना शायद बाहर नहीं है। यहाँ पे रैगिंग वगैरह नहीं होती, उल्टा बल्कि यहाँ पे बच्चों को, स्पेशली गर्ल्स को, और भी ज़्यादा मोटिवेट किया जाता है कि आप, हम हर एक चीज़ में आगे जा सकते हैं। और जबकि बाहर क्या होता है कि गर्ल्स को डीमोटिवेट किया जाता है कि नहीं यार आप यह नहीं कर सकते। तो इस चीज़ में गर्ल्स को बहुत ज़्यादा सेफ सिक्योरिटी मिलती है यहाँ पे। और इवन बाहर से भी अगर आप यहाँ पे देखोगे, जो बच्चे हैं वो यहाँ से ज़्यादा बाहर के हैं, क्योंकि पेरेंट्स को पता है कि इस यहाँ से ज़्यादा सिक्योरिटी बच्चों को और कहीं नहीं मिल सकती। आप डेरा सच्चा सौदा भी जाते होंगे? बिल्कुल, बचपन से जाती आ रही हूँ। मेरे पेरेंट्स भी यहाँ तक डेरा सच्चा सौदा के डिवोटी हैं और मेरे दादा दादी तक भी यहाँ से डिवोटी हैं। और मैं बहुत 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 ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि मैं डेरा सच्चा सौदा की मेंबर हूँ। और मैं बहुत ज़्यादा प्राउड फील करती हूँ कि मैं यहाँ की स्टूडेंट हूँ और मैं हमेशा यहाँ से जुड़ना चाहूँगी। आज आपको अपने गुरु पर कितना विश्वास है, क्या कहना चाहोगे लोगों? विश्वास पूछ नहीं सकते, कहूँगी सारी दुनिया एक तरफ और मेरा सतगुरु प्यारा एक तरफ। इट्स आई थिंक सो, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। बहुत ज़्यादा अंधविश्वास है मुझे उन पर कि वो कभी, जब भी उन्होंने हमेशा हर टाइम मेरा साथ दिया, बिन मांगी, कहते ना मांग पूरी हो जाती है, हमेशा मेरे साथ वो हुआ है, हर टाइम टाइम पर चमत्कार हुए हैं। तो मेरे पास कोई वर्डिंग नहीं है उनके लिए विश्वास को एक्सप्लेन। लोग अंधभगत के नाम से भी पुकार रहे हैं आज आप लोगों को, क्या कहो? वही ना, जो तन लागे सो तन जाने। जिनके ऊपर कोई, जो कभी गया ही नहीं, जिसके ऊपर कभी कोई गुजरा ही नहीं है, वो कैसे इस चीज़ को बताएगा? हम यहाँ आते हैं, बचपन से जुड़े, हमें पता नहीं यहाँ पे क्या होता है क्या नहीं होता है। अगर सभी को यही कहूँगी, जिनको नहीं भी है विश्वास, आप आइए, आप यहाँ से नाम लीजिए, आप उसका मेडिटेट करिए। हाँ, अगर आपके उसके बावजूद अगर आपको कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिला, फिर आपको कुछ हक है, आप कुछ बोलो कि हाँ ये लो। बट अगर आप आए नहीं, आपने कुछ नाम शब्द नहीं दिया, आपने मेडिटेट नहीं किया, आप कैसे किसी के बारे में कुछ बोल सकते?
थैंक यू सो मच। ये थे हमारे साथ यहाँ जाने वाली लड़कियाँ जिन्होंने बताया कि हम यहाँ के स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं और बिल्कुल सेफ हैं। जो मीडिया ने दिखाया वो बिल्कुल गलत और बेबुनियाद है। ऐसा क्यों किया मीडिया ने, ये सवाल हम आपके लिए रखते हैं। इसका जवाब हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। जुड़े रहिए द फैक्ट टाइम।